अच्छा स्किल के रॉकेट 55 ये 11 साल का है। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज वीकेंड है, आज काफ़ी मज़े आने वाले हैं। मैं इवानो फ्रेंकीस में रहता हूं और आज हम इवानो फ्रेंकीस से चेनोविस्की जा रहे हैं, चेनोविस्की निकलने वाले हैं। और चेनोविस्की इज़ लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ यूक्रेन, काफ़ी पुरानी सिटी है और काफ़ी बड़ी सिटी है। तो आज वहाँ की नाइट लाइफ और कुछ सेंटर्स वहाँ के एक्सप्लोर करेंगे चल के। तो करीबन हमें 140 किलोमीटर इवानो से पड़ेगा, तो चलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मैं अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पेट्रोल पंप कुछ इस तरह से होते हैं। तो हम चेनोविस्की पहुंच चुके हैं और चेनोविस्की में मेरा दोस्त आ रहा है मुझे रिसीव करने, मैं उसके फ्लैट के नीचे हूं, तो चलो चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चेनोविस्की आ चुका हूं और ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं दोस्त, और जिसका नाम अनुग ठाकुर है और ये इस वक्त चेनोविस्की में बोकोवेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फोर्थ कोर्स का स्टूडेंट है। और मैं इसके बाद एक वीकेंड में चिल करने आए हैं हम लोग सारे दोस्त। घुमाएगा कहाँ भाई, चलो चलते हैं चेनोविस्की। पूरा मोहल्ला है यहाँ पे, सेंटर है यहाँ पे, वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, एक म्यूजियम है, जू है, काफ़ी कुछ है। तो चल ठीक है, फिर चलते हैं। के बाद हम यहाँ पर कार्ट रेसिंग पे आ चुके हैं, लाइक आई हैव वन स्मॉल एफएम रेसिंग। कार्ट रेसिंग की प्राइस कुछ इस तरह से, उदन कोलो मीन्स एक सर्कल 20 ग्रेवना हरेबना का और तीन सर्कल 50 ग्रेवना का और सात सर्कल 100 ग्रेवना के, और इसके साथ कुछ बोनस। It's the first time of today.
लोग यहाँ गो कार्टिंग से निकल चुके हैं और उसके बाद अब मैं सर्किस स्क्वायर जा रहे हैं और चलो फिर चलते हैं। मैं पहुंच चुका हूं टर्किश स्क्वायर और जैसे मेरे पीछे आप टर्किश स्क्वायर देख रहे हैं, ये 16 सेंचुरी में बनना चालू हुआ था और 18 सेंचुरी तक ये स्क्वायर बना और ये फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया और करीबन दो सेंचुरी तक इसका नाम नेमलेस था और उसके बाद इसका ऑस्टिन ने इसका नाम यहाँ रखा। और ये चेन्नोविस्की का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं और मैं अभी काफ़ी हमारे इंडियन स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ। हे हाउ आर यू? So, say is not English, Kimu? No English. No English, say only Krinsky. Yes. Chuchu. Як тебе звати? Ваня. Ваня? Да. Да. Це брат? Ні. Дру. Дру. Це скільки років? 55. ये 11 साल का ये बोल, क्योंकि यहाँ पर जो मेन दिक्कत आती है इंडियंस को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है क्योंकि यूक्रेनियंस हैं और ये इंग्लिश नहीं बोल रहे, तो दिक्कत उनको यही है। तो ये बताना चाह रहा है कि ये है 11 साल का उदयनाथ से और इंग्लिश में बोला तो बोला 55 से। आई लव इंग्लिश वेरी मच एंड इंग्लिश पीपल्स यस से सेलू बोले से इंदिस किलू दे सेलू बोले। ये बच्चा भी मुझे यही कहना चाह रहा है कि मैंने इससे पूछा कि क्या तुम इंडियंस को प्यार करते हो, तो बोलता है हाँ हाँ। मैं सूखे पाव बोलो क्या हो गया तुम्हें? आज 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 बहुत नर्वस हो तुम? अरे नहीं 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 बता दो। अरे डर लग रही है। अरे बता दो क्या हो गया? आज आज हमारा लड़का बहुत नर्वस है, पता नहीं आज डर रहा है काफी। और ये प्यारा सा टर्किश ब्रिज जो सीधे टर्किश स्क्वायर के सामने सामने। बाय बाय, तो अब चलते हैं। तो हाँ भाई, भूख बहुत लगी है। चलो आपको इंडियन रेस्टोरेंट में लेके चलते हैं अभी भाई। इंडियन तो क्या खिलवाएगा, समोसे या कुछ? खाना पीना क्या है? सब मिलेगा भाई, जो आप चाहोगे सब मिलेगा। सब कुछ मिलेगा? सब मिलेगा, क्योंकि भूख बहुत लग चुकी है। इवानो से हम निकले थे तो लाइट से हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी कुछ खाना पीना खाते हैं। लड़को भूख लगी है? बिल्कुल भैया। तो तुम ठीक है? चूहे कूद रहे पेट में। चूहे कूद रहे हैं क्या? पुकरात के पेट में आती। चलो ठीक है ठीक है, चलो अभी चल रहे इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ कुछ ऑर्डर करते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अभी हम चेन्नई में हैं पर ये शहर इस वक्त अभी क्वारंटीन पे है, तो मे बी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि हमें रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, पर हम टेक अवे अपना कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट पूजा करने आए हैं, और तो यहाँ पर हमारे जोसन पाजी का मैस चलता है। मैस संबित रेस्टोरेंट है, चाचे का ढाबा बोल सकते हो। हाँ, तो ये चाचा का ढाबा नाम से बहुत फेमस है और
तो बाजी क्या क्या है मेन्यू में? मेन्यू में सर जो खाओगे सब कुछ मिलेगा, इंडियन फूड है हमारे पास, नॉर्थ इंडियन फूड की भरमार है, सब नॉर्थ है। तो बाजी हमारे लिए आप क्या करो, दो मटन कर दीजिए, ठीक है सर, दो मटन, दो बिरयानी और 10 रोटी और नान, ठीक है सर। कैसा स्पाइसी खाओगे? तगड़ा स्पाइसी, ठीक है। तो बाजी का फीडबैक बहुत अच्छा है क्योंकि मैं पहले भी यहाँ खा चुका हूँ और काफी सही फीडबैक है इनके खाने का और काफी टेस्टी और लजीज है। आप लास्ट टाइम आए थे मेरे मतलब? हाँ लास्ट टाइम आ चुका हूँ, ठीक है। जैसा अपन ने सोचा था और वो ही हो चुका है। पाजी ने हमें अलाउ नहीं किया क्योंकि अभी चेन्नई की क्वारंटीन में चल रहा है और तो अभी प्रॉबेबली हम कोई पार्क जा रहे हैं, भाई अपने को ठाकुर अपने को कोई पार्क लेके जा रहे हैं, वही अब खाना पीना खाएंगे। तो अभी इस वक्त हम चेन्नई व्हिस्की के ब्रोकन ब्रो रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और अभी मैंने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो चलो अब हम आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं।